देर से डिस्चार्ज होना या डिलेड इजैकुलेशन, यह प्रॉब्लम काफी लोगों को होता है, उसके बारे में मैं आज बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में पिछले 38 साल से प्रैक्टिस। कॉमन प्रॉब्लम जो होता है वो होता है जल्दी गिर जाना, शीघ्र पतन, प्री मैच इजैकुलेशन, वीर्यपात जल्दी होना, ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। मगर कुछ लोग ये प्रॉब्लम लेके आते हैं डिलेड इजैकुलेशन, मतलब डिस्चार्ज जल्दी होता नहीं और फिर वो उनका प्रॉब्लम बन जाता है। एक्चुअली एवरेज टाइम जो पाया गया है अलग अलग अभ्यास जो किए गए उसमें, वो 5 से 20 मिनट तक का ऐसा ये रेंज पाया है, उसमें एवरेज जो है वो 5 मिनट और 40 सेकंड का है। तो भी इसमें जब ये ज़्यादा हो जाता है, मतलब 15 मिनट 20 मिनट, तो फिर औरत को तकलीफ होना शुरू हो जाती है, फिर वो कितना सहन करेगी। उसका हो जाता है, उसको सुकून मिलता है और आदमी का नहीं हो रहा है, तो कितने समय तक वो सेक्स करेगा, उसका इजैकुलेशन नहीं हो रहा है। और जब इजैकुलेशन नहीं हो रहा है उसको मानसिक समाधान नहीं मिल रहा है, उसको अच्छा नहीं लग रहा है, तो फिर ये देखना पड़ेगा कि उसके लिए क्या करना जरूरी है। क्योंकि फिर उसमें औरत बोलती है अभी बस करो, बहुत हो गया, अभी मेरे से रहा नहीं जाता है अभी ये, और वैसा आदि आधा अधूरा छोड़ दिया तो आदमी को भी अच्छा लगता नहीं है। तो इसको पहले देखना चाहिए कि भाई ये जो है लेट डिस्चार्ज होता है या डिलेड ऑर्गेजम होता है तो इसके कारण क्या है। एक तो होता है कि फिजिकल कारण है, और फिजिकल मतलब शारीरिक है कि जिसमें रीढ़ की हड्डी को कोई इंजरी हो चुकी है, स्पाइनल कॉर्ड को इंजरी हो चुकी है, नर्व डैमेज है, इसकी वजह से हो सकता है। फिर डायबिटीज मेलिटस है, मतलब मधुमेह, शुगर की बीमारी है। एजिंग है, उम्र ज़्यादा हो चुकी है, टेस्टोस्टेरोन लेवल्स कम है, या फिर कोई मेडिसिन आप ले रहे हैं, कोई मेडिसिन चालू है, एंटी डिप्रेशन चालू है, एंटी साइकोटिक चालू है, या फिर कोई बीमारी है, मतलब डिप्रेशन जैसी बीमारी है। तो ऐसे कई कारण हो सकते हैं कि जिसमें ये प्रॉब्लम आता है। दूसरा है साइकोलॉजिकल कारण। साइकोलॉजिकल कारण में होता है कि भाई औरत की औरत के हाथ में पट्टी नहीं है, स्त्री पुरुष का पट्टा नहीं है, साइकोलॉजिकल डिस्टेंस है, प्यार नहीं है। और फिर कभी कभी ऐसा हो जाता है, तीसरा एक कि थोड़ा सा डिस्चार्ज होता है जो हुआ कि नहीं हुआ ये मालूम नहीं पड़ता आदमी को, और बाद में इरेक्शन तो कायम रहता है क्योंकि डिस्चार्ज पूरा हुआ नहीं, लीक हो गया, और बाद में डिस्चार्ज होता ही नहीं। तो ये तीसरा कारण है, और ये भी कुछ लोगों में है। तो ये जब कारण है तो हमको ये देखना पड़ेगा कि इसका इलाज क्या है, फिर हम क्या इलाज करेंगे इसका। क्योंकि समाधान नहीं हुआ, इजैकुलेशन नहीं हुआ, ऑर्गेजम ही नहीं हुआ, तो फिर मतलब ही क्या सेक्स करने का। तो उसका इलाज, एक तो फिजिकल कारण जो है शारीरिक कारण, तो शारीरिक कारण जो है उसका इलाज करना होगा। लेकिन नर्व डैमेज है तो उसका क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ, दवाइयाँ हैं तो दवाइयाँ बदल सकते हैं, दवाई चालू है, या मानसिक बीमारी उसका इलाज कर सकते हैं। साइकोलॉजिकल कारण है तो उसका जो है वो दोनों के आपस में पट्टी नहीं है, पुरुष और स्त्री की, तो वो सॉर्ट आउट करना चाहिए, रिलेशनशिप इशू। और फिर एजिंग है तो उसके लिए फिर हार्मोनल चेंजेस यदि होते होंगे तो फिर टेस्टोस्टेरोन लो। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप ये ले रहे सिल्डेनाफिल, टैडालाफिल, और वो गोली लेने से इरेक्शन तो बहुत आ जाता है मगर एक्साइटमेंट कम है, एक्साइटमेंट नहीं और फिर इजैकुलेशन होता नहीं है। तो एक्साइटमेंट होना जरूरी है। फिर कभी कभी आपको क्या करना होगा कि लुब्रिकेटिंग जेली लगा के पेनिस को मसाज करके एक्साइट करना होगा और बाद में इंसर्शन करना है। हो सकता है कि पहले मास्टरबेशन किया हो, हस्तमैथुन किया और बाद में सेक्स कर रहे तो फिर इजैकुलेशन जल्दी होगा नहीं, या फिर पहली बार सेक्स किया है और सेकंड सेक्स आप जल्दी कर रहे तो फिर उस समय भी इजैकुलेशन जल्दी होने वाला है नहीं। तो ऐसे काफ़ी सारे कारण है, उसका उपचार मैंने बताया आपको। इसमें से देखिए यदि प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली आपको वीडियो सहायता करेगा। आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं ताकि काफ़ी लोगों को इसमें मदद मिल जाएगी। यदि आपको सेक्स के बारे में कंसल्टेशन चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, उसके ऊपर आप क्लिक करके आप 150 रुपये भर सकते हैं और हमारे डॉक्टर आपको कॉल करेंगे, कंसल्टेशन करके आपका प्रॉब्लम समझ लेंगे और बाद में प्रॉब्लम के हिसाब से आपको मेरे से बात करके वो डॉक्टर यहाँ से दवाई रवाना करेंगे। थैंक यू वेरी मच। सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफ़ी सारे वीडियोस हैं, उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप, एक कोर्स बनाया हुआ है। वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब करीब 60 वीडियोस हैं और उसमें हिप्नोटिज्म की भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व,
शीघ्र पतन ये कैसे ठीक करना, और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक दी हुई है ऐप की। और वैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं, या आप वेबसाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे जो नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टामोजू की भी लिंक दी हुई है, उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।